आज की टॉपिक है आजकल की पढ़ाई घर घर में शिक्षा और शिक्षक परिणाम। चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका स्कूल। अब स्कूल हुआ तो इसको हम लिख देते हैं प्राइवेट स्कूल हो गया ये, ठीक है। ये प्राइवेट स्कूल, ये हो गया आपका गवर्नमेंट स्कूल, ये क्या हो गया गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ये हो गया आपका घर घर, ये हो गया आपका घर, ये सब घर है, ये सब क्या है घर घर, ठीक है। ये हो गया आपका इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। अब ये हो गया आपका मतलब इंस्टीट्यूट मतलब आप बड़े लेवल का, और एक होता है आपका बड़े लेवल मतलब समझ गए ना, मतलब डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए ये, और एक हो गया आपका बिना डेकोरेशन वाला इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये हो गया बिना डेकोरेशन वाला, ये हो गया डेकोरेशन वाला, ये डेकोरेशन वाला हो गया और ये बिना डेकोरेशन वाला हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूट। अब देखिए आजकल की टॉपिक क्या है, आजकल की पढ़ाई घर घर में शिक्षा और शिक्षक परिणाम। चलिए सबसे स्टार्टिंग ए है, ए जब धरती पे आया कहने का तत्पर, तो प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी जो है जो कहते हैं पेरेंट्स से, जो माता पिता होते हैं ना, जो संस्कार जो भी शिक्षा उन्हें प्रदान करते हैं वहाँ, ठीक है। और जो आस पड़ोस में जैसी बात करते जाए सभी बात, तो वही संस्कार वाले शिक्षा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अब चाहे वो 2 साल में रखे या 3 साल में रखे, या हो सकता है जब जन्म लेते हैं तो हो सकता है स्टार्टिंग से ही वो अपने पास ना रख के, मतलब अलग अलग आजकल का सिस्टम आप जानते ही हैं। हाँ, तो कहने का मतलब प्राइमरी तो हो गया आपका संस्कार, ठीक है। दूसरा अब क्या हो गया आपका ये, अब देखिए सबसे पहले किसी भी स्कूल में डालेंगे ये पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को शिक्षा के लिए किसी भी न किसी स्कूल में तो डालेंगे ना, तो कोई, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, कोई प्राइवेट स्कूल में डालेंगे तो कोई गवर्नमेंट स्कूल में, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी, हम एक सबसे पहले बुक का कवर पलट देने से उसके अंदर की बात तो नहीं पलट जाएगा, अगर दूसरे सतत विकास को अगर किसी और बुक में कुछ अलग बताता है तो दूसरे बुक में कुछ अलग नहीं बताएगा उसके कवर चेंज होने से, या कोई भी टॉपिक को। यानी कि अगर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ अ आ पढ़ाया जाता तो कहीं अ आ को कुछ और नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब वही पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग जो लेवल होता है। तो प्राथमिक शिक्षा सबसे पहले, लेकिन अब देखिए यहाँ पे फीस कितना होता है और यहाँ पे फीस क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल का फीस क्या होता है, और शिक्षा वही है, शिक्षा वही है, चाहे आप इसको एक समझिए पूरा क्लियर कर लीजिएगा, कोई भी क्लास का रख लीजिएगा आप इस पर, ठीक है। तो पहले तो देखिए क्या है, पढ़ाई तो अंदर की बातें वही है, मतलब जो अंदर का पढ़ाई है, तो फीस यहाँ का क्या है और यहाँ का क्या है, और घर घर में यानी कहने का तत्पर जो एक तो खुद का जो कोई पढ़ा है अंकल आस पड़ोस के समझ गए, या भाई कोई भी, या जो कहते हैं बगल वाले पढ़ाते हैं कहते हैं ना, या कहीं से कोई आता है तो समझ रहे हो ना, तो सब जगह पढ़ाई यही हुआ, ठीक है। लेकिन अब देखिए जो पढ़ाई होता है वो कितने देर का होता है, स्कूल में होने के बाद क्या करते हैं इसके बाद भी, वो एक स्पेशल ट्यूटर मतलब ट्यूशन लगाते हैं या कुछ भी अधिकतर, क्यों, क्योंकि जो उसकी, जब आप बताओ जब पढ़ाई वही चीज यहाँ पर है तो यहाँ क्यों, क्योंकि प्रॉपर इस पे फोकस, तो यहाँ पे प्रॉपर फोकस क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर फीस अगर 2000 है मान लीजिए, जैसे उदाहरण आप जानते हो प्राइवेट स्कूल का उस हिसाब से, और या कोई भी हो कहने का तत्पर और गवर्नमेंट स्कूल में, तो फिर यहाँ की पढ़ाई में क्या दिक्कत है और यहाँ की पढ़ाई में क्या दिक्कत है, क्योंकि अंदर की तो सब यही है, तो फीस तो वहाँ की पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, तो इसके जिम्मेदार कौन है, इसमें टीचर कौन जाता है, इस स्कूल में टीचर कौन बनता है ये बताइए आप, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर कौन बनता है, जो पढ़ के जाते हैं परीक्षा पास होके जाते हैं कहने का तत्पर, तो वही तो बनते हैं। अब वो शिक्षा प्रॉपर नहीं दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, तो उनको क्या उन पे कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो ये तो देखिए शिक्षा तो सबके वही है, और यही अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो वो चीज़, इसके बावजूद भी चाहे किसी भी स्कूल में पढ़े, मतलब कोचिंग जो है या तो डेकोरेशन वाला में पढ़िए इंस्टीट्यूट में, या बिना डेकोरेशन वाला में, या घर घर वाला पढ़िए,
तो यहाँ का फीस हो गया 300, यहाँ का हो गया 500, यहाँ का हो गया 2000, वही पढ़ाई हो गया यहाँ से। लेकिन अब देखिए यहाँ से जो कोई ये जो पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, तो वहां से तो वहां के माहौल वातावरण विचार इसमें आया, ठीक है, पढ़ाई तो वही हुआ, अगर वहां पढ़ते तो वही हुआ, लेकिन जो बात व्यवहार जो होता है वहां किस तरह पढ़ाया जाता है, उसके लक्षण संस्कार ये सब ऑटोमेटिक आता है, और वहां पे लोग हैं, लोग से बात करते हैं उस हिसाब से। लेकिन अब देखिए उसके बाद वो आता है फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, उसका मिलता है गुण, फिर उस हिसाब से होता है, थोड़ा कहते हैं आगे पढ़ाओ या कुछ भी, पढ़ाई तो वही होता है कहने का तात्पर्य, अंदर की बातें मतलब बुक के अंदर में जो लिखा रहता है कहने का तात्पर्य। तो फिर हर जगह डिफरेंट क्यों, तो भाई आप समझ रहे होंगे ना, क्योंकि डेकोरेशन। तो अब ये आपको जानना होगा कि ये डेकोरेशन के चक्कर में आपको स्पेशल शिक्षा चाहिए, इन बच्चे को क्या चाहिए, शिक्षा। तो शिक्षा के लिए वास्तविक गुरु, सबसे पहले तो एक थॉट होता है कि परीक्षा अगर ये डिग्री नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसको जॉब नहीं मिलेगा, पहला थिंकिंग। या अच्छे कोई कहते हैं अच्छे से नहीं पढ़ा तो बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, जैसे अलग हाई लेवल का हो गया तो बिजनेस की तैयारी कर रहा तो उस लेवल की वो तैयारी करेंगे, ठीक है, तो कहते हैं वो टीचर नहीं है। तो वही है कि वास्तविक आप टीचर की पहचान करें। लेकिन अब क्या होता है, 2 महीना यहाँ पढ़ा, ठीक है, 2 महीना पढ़ा यहाँ जैसे घर घर वाला में या उस स्कूल में, 4 महीना बाद यहाँ से छोड़ दिए कहीं और, कहने का तो आप समझ रहे हो ना, तो कहीं और पढ़ा, मतलब उसमें उसका चेंज, डिफरेंट डिफरेंट जगह जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह आजकल टेस्ट लेकर के जैसे भी हो, क्योंकि लेंगे ही, क्योंकि पता कैसे चलेगा वो उस क्लास में जाने योग्य है भी या नहीं, क्योंकि अगर इसको बेसिक नहीं है तो इसको एडवांस कैसे होगा। तो यहाँ सिस्टम है पास और फेल, अगर पास है तो भाई आता ही होगा, बाद में पता चलता है 9वां में चला गया या 10वां में चला गया और आता कुछ नहीं है, मतलब जो भी हो यही पढ़ाई, या यहाँ तक संस्कार किसी से वार्तालाप भी करे तो कैसे करे, क्योंकि सब अपने आप में कहते हैं हम महान है। और आजकल तो सबसे बड़ा घर घर में इसलिए का सोशल साइंस, क्योंकि जो चीज अगर पढ़ाया जा रहा है आपके पास टीचर अथा है, ये पूरा दुकान उठ के तो आपके पास आ गया है सोशल साइंस पे, लेकिन फिर भी क्या प्रॉपर आप किसी की सुनते हैं, किसी एक टीचर की भी सुनते हैं तो क्या प्रॉपर पूरा अच्छे से समझते हैं, नहीं समझते हैं, थोड़ा हटाओ स्क्रॉल, वहां पे कुछ डांसिंग आ गया तो वो देखते हैं, कुछ अलग आ गया वो देखते हैं, कुछ अलग, आपको हमेशा रहता है कि ए ना सीखे जेड सीखे, मतलब कहने का तात्पर्य हाई लेवल का, मतलब स्टार्टिंग नहीं जानने की कोशिश करते कि कैसे हुआ, लेकिन आप एक ट्रिक बता दिया तो ट्रिक से आप भी करते हो, और 6th क्लास में आपको अगर पूछेगा डिप्ली में तो आप ट्रिक बताओगे वहां पे कि इसका आंसर ये होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, एक तो ये हो गया, इसलिए कहता है योग्यता के आधार पर ही उसको, तो आजकल दुकान तो पूरा उठ गया है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 300, कहीं पे 200, यहाँ पे 3 घंटा लग रहा है, यहाँ पे 8 घंटा लग रहा है, स्कूल में हो 7 घंटा लग रहा है या 6 घंटा लग रहा है, यहाँ पे 2 घंटा लग रहा है या 1 घंटा लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद घर में, फिर घर में जाने के बाद वही, अगर घर में भी अगर डेली रूटीन सेट हो तो डेली रूटीन सेट नहीं होता है, क्योंकि हर दिन का डेली रूटीन अलग होता है, अगर कुछ काम कर रहे हो तो कुछ, और आप पढ़ रहे हो ये चीज हो, कुछ ये करो वो करो, ठीक है, मतलब कहने का तो आप समझ रहे हो, ठीक है, तो उस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो आपको ये लिखो, ये चीज का होमवर्क करो, ये चीज का होमवर्क करो, लेकिन वास्तविक जो है वो चीज पे कहाँ रहते हो। तो ये चीज तो वही, अगर कह देंगे 10 पेज लिख दो तो आप खुश, बाद में आप 3 महीना में ही कह देते हो कि अब तुरंत तुरंत, मतलब कहने का तो जस्ट मतलब कुछ देर समय बाद तुरंत वहां पे शिकायत लेके, वहां पे शिकायत लेके, यानी कहने का तात्पर्य ये वहां से यहाँ से आने के बाद जब घर पे जाता है तो आपका प्रॉपर कर्तव्य क्या बनता है, उसकी देखभाल और उस प्रॉपर कैसे किया ये चीज पे देखे, ना कि कुछ ये कर रहा है तो ये चीज इस टाइम, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन उस हिसाब से नहीं होता है। और आप कहते हो अच्छा 2 महीना पढ़ने दो ना, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आप रिजल्ट के पीछे नहा धोके पड़ जाते हो, आप खुद अप्लाई करो, क्या आप ऐसा किए हो, कुछ इनकेस बिरला किए भी हो तो उस टाइम का देखो, उस समय कहते परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो यहां पे देखो आप क्या हो रहा है, ध्यान से, तो रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो भाई इसका क्या हुआ, मार्क्स कम आया है लेकिन वो सुधर गया है, अच्छा हो गया है, उसके व्यवहार में अच्छा हुआ है, पढ़ना अच्छा है, मान लेते हैं रिजल्ट आ गया है, चाहे वो बीमार पड़ गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो, जो क्वेश्चन उस समय टप आ गया जो उसमें नहीं पूछ, ठीक है, जिसका आप आगे जब आपको जॉब ही करना है और जिसका उसका तोरी नहीं है तो उसके पीछे नहा धो के लगे रहते हो, अगर 4 बार फेल हुए तो 4 बार उसी क्लास में पढ़ो, ठीक है, मतलब आगे कुछ अगर उसका सोच अच्छा है, कुछ बड़ा करना है, कहने का तात्पर्य एक हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, लो लेवल सभी आप अप्लाई कर सकते हो, तो उस पर जबरदस्ती 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 कोई भी चीज करते हो, और आप वास्तविक जानते हो कि इस पे नॉलेज भी है और क्या है,
नॉलेज तो है ही, और प्रॉपर शिक्षा अच्छा है, किसी से बात व्यवहार कैसे क्या करना है सब कुछ ठीक है, और आप देखते हो रिजल्ट अच्छा आता है। और आपको जानते हो आजकल पैसे या मानो या ना मानो आजकल हर चीज से होता है ना, हर फील्ड से होता है, और प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन बहुत कम मत करते हो, घर बैठे एग्जाम दो, कहने का तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो कुछ आजकल वैल्यू तो इसका समझ ही गए ना, परिणाम आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पे 10 जगह खर्चा करने से, जब भी आपको अगर त्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो मान लो 10 में, तो त्रिगोनोमेट्री ही पढ़ाएंगे ना सब उसमें, लेकिन उसके साथ अपना अपना विचार उनका जाते जाता है कि वो किस तरह से पढ़ाते हैं, वो नौटंकी करके के पढ़ाते हैं, कहने का तो आप समझ गए, हंसी मजाक कुछ ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, तो वो विचार आप में आते जाएगा, आप तो समझ जाओगे। लेकिन उसके बाद आपका वही थॉट रहता है जो कहते हैं ना विचार, वो चीज़ रहता ही है कि आपको किसी को कैसे समझाना है ठीक है। तो वो तो पास हो जाता है, इसके बाद फिर भी अंततः तो जाके क्या कहते हैं नौकरी, अगर आपकी थिंकिंग है नौकरी, क्योंकि आप पढ़ना आपका कर्तव्य है, इसके बाद आगे हो सकता है आपको कुछ और बड़ा मिल गया, जरूरी नहीं है नौकरी करने का, लेकिन प्रेशर होता है नहीं नौकरी जल्दी, तो ये चीज सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। और यहाँ तक ये देखो, आप कितना भी पढ़ के आ जाओ, कितना भी पढ़ के आ जाओ, और घर में अगर कुछ बोलो कि इस तरह से ये होता है, तो नहीं, दूसरे ने कहा है कि ये चीज अच्छा होता है, आप कितना भी अच्छा से पढ़े हो और कुछ नया रिसर्च किए हो, लेकिन आपकी महत्वता को क्या कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, लोग ऐसे करते हैं, लोग वैसा होता है, ऐसा नहीं बनता है। तो आप जब पूरी बात उन्हें सुनाओगे तो भी नहीं सुनेंगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो आप स्पेशल फोकस करो नॉलेज पे, नॉलेज पे फोकस करो, डिग्री पे नहीं, नॉलेज पे अगर आप फोकस करते हो, तो जब नौकरी ही करना है, तो आजकल कहते हैं ना जैसे तरह से आपका सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, मतलब कहने का जैसे आपका स्कूल हो गया वैसी तरह का मतलब नौकरी भी हो गया, तो वहां भी करके आपको आगे कैसे बढ़ना है वो भी देख सकते हो, और बड़े पैसे वाले हो तो आप पढ़ाई तो उसी तरह हिसाब से होगा, आप कोई भी क्लास के हो, कोई भी मतलब किसी भी मतलब हाई लेवल के हो, आप बहुत पैसे वाले हो फिर भी आप बच्चे को पढ़ाओगे ही, या तो प्राइवेट स्कूल में या तो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट में, फैसिलिटी मैंने कहा ना, लेकिन आपको प्रॉपर टीचर की पहचान करना है, प्रॉपर शिक्षक टीचर, मैं होता है ना टीचर जो आपको आप जैसा चाहते हो उस हिसाब से। लेकिन आप देखते हो 2 महीना पढ़ाते हो, ट्यूशन ही पढ़ाते हो, 2 महीना पढ़ाते हो, इसके बाद तुरंत ही उस पर ये ऐसा नहीं किया, ये चीज में इतना नंबर रहे हैं, नंबर के पीछे हाथों को लगते, अरे उसमें चेंज कितना हुआ, उसमें बदलाव कितना हुआ, वो नहीं देख रहे हो, उसके बात करने का लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, मतलब तौर तरीके, अगर आपको लग रहा है गलत संगति हो गया, 1 ही 2 महीना में बिगड़ गया, तो बस तुरंत वहां छुड़ा लो। लेकिन अगर लग रहा है आपका इसके बिहेव हर चीज में चेंज हुआ है, तौर तरीके चेंज हुआ है, तो रिजल्ट पे क्यों जा रहे हो, रिजल्ट तो आएगा ही उतनी जल्दी, 2 महीना में तो नहीं हो जाएगा, जब 2 महीना में इतना बदलाव हो सकता है तो आगे आने आने वाले टाइम में कितना होगा। लेकिन 1 ही 2 महीना में बार 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 कर करके ये दिमाग को कहते हैं ना, तो इसीलिए भाई इसको हटाओ, फिर दूसरे के पास जाओ, फिर इसके पास पढ़ा, फिर उसके पास पढ़ा, तो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर शिक्षा मिल रहा है कि नहीं, कैसा संस्कार, मतलब कहने का शिक्षा बाद में संस्कार समझ गए ना, वो इंक्लूड रहता है ठीक है, कि उसी वही बोली बोलता है, क्योंकि वही आपके आपको मतलब आदर सम्मान अगर कहीं नहीं करता है तो कहते हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन क्यों नहीं करता है, किस परिस्थिति में नहीं करता है आपका से मतलब, यहाँ हो गया यहाँ पे 4 लोग होते हैं, अगर कोई मान लीजिए किसी को शिक्षा नहीं है, किसी को समझ नहीं है, तो वो कहेगा ऐसा होता ही नहीं है, वो कहते हैं हमें पता है हमें समझ है, और वो जब कहेंगे तो कहता है तुम ये हो गए तुम वो हो गए, ऐसी सिस्टम चलता है, तो वहां पे मुंह लगाने से कोई फायदा है नहीं। तो आप दूसरे कहे ना वही वहां पे क्या करोगे आप, वही तभी ना कहते हमें अपने से मतलब, अपने से मतलब रहता, फिर ये सभी आते हैं ना समाज में, और ये हर में कॉमन है ना, हर एक में, चाहे पढ़ाई किसी भी, क्योंकि पढ़ाई मान ले त्रिगोनोमेट्री है, तो हर जगह तो त्रिगोनोमेट्री ही पढ़ाया जाएगा ना, अगर 10वीं क्लास में है और यहाँ पढ़े यहाँ पढ़े यहाँ पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ क्या जाएगा आप बताओ, उनका व्यवहार विचारों, जो मोटिवेशनल ये करते हैं किस बेस में करते हैं, पूरा क्लियरिफिकेशन होता है नहीं होता है, तो वो चीज़ इसीलिए प्रॉपर आपको देखना पड़ेगा कि आप जहाँ भेज रहे हो। और आजकल सोशल साइट पे सब दुकान उठा है आया हुआ है, उनका ही देखो आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा अच्छे से देखो, तो आप ही को खुद पता चल जाएगा कि सोशल साइट अच्छा है या हमें प्रॉपर एक टीचर की, सही टीचर की अगर व्यवस्था करना है, और वहाँ पे वो कंटिन्यू है, और उसके बदलाव
अपने आप जीवन में आएगा। और आपको लग रहा है नहीं नॉलेज में कमी है, जैसे आप ये त्रिकोणमिति पढ़ा मतलब कह रहे हैं तो बुक ही नहीं पढ़ा पाते हैं और संस्कार रहता है, तो वो अलग हो गया, वो आपको संस्कार का कहते हैं ना, वो उनसे पहचान बनाई है, शिक्षा मिलता है, वो अलग है। लेकिन जो कहते हैं किताबी नॉलेज, जो किताबी नॉलेज क्योंकि वहीं से कुछ रिसर्च करते हैं, ये चीज़ करते हैं, पढ़ा लिखा कोई कुछ कहते हैं तो करते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आप जाँच पड़ताल करके वहाँ पर आप देते हो। तो यही है घर घर में कहते हैं ना शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा परिणाम क्या निकलता है, फीस ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे देखो गरीब या धनी जो भी कहते हो, कोई 10,000 कमाता है तो 10,000 कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, वो 2,000 देता है तो उसको नहीं, आप इसमें पढ़ाते हो तो उस हिसाब से। लेकिन इसमें जो टीचर होता है वो टीचर कौन होता है, अगर टीचर प्रॉपर शिक्षा दे तो ये ट्यूशन, एक मिनट, ट्यूशन जो घर घर वाला सिस्टम है फिर भी कोई भी हो, तो ये जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और आज तो इस सब की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सोशल साइट्स, उस पर भी क्या सब कुछ दुकान आपके पास है, फिर भी क्या आप प्रॉपर नॉलेज ले रहे हो, नहीं। स्क्रॉल आगे बढ़ो, बहुत भाषण दे दिया ये, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप अगर प्रॉपर तो आप देखो एक से एक मिलेगा आपको, ठीक है, उसका प्रॉपर। ये खाली आप सुन रहे हो मोटिवेशनल मोटिवेशनल, सबका अपना अपना फील्ड है, ठीक है। तो यही चीज आप देखोगे कि हमें काम क्या करना है, अपना काम क्या करना है, अपना क्या है, 10वीं क्लास है तो 10वीं क्लास में हमें 10 चैप्टर पढ़ना है, 10 ही दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, नेट पे सर्च करो पूरा, देखो प्रॉपर ढंग से पढ़ो, 1.5 घंटा 10 ही दिन में आपका कोर्स खत्म हो गया। और इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद उसको रिविजन करो। लेकिन फिर कहते हो ना कि अलग अलग चीज अलग अलग, तो पहले तो एक बार ढंग से पूरा कर लो फिर उसको रिविजन कर, देखो टॉप ऐसे ही अच्छे से करोगे। लेकिन वहाँ देखते नहीं है, ऑफलाइन पकड़ रहे हैं, ऑफलाइन और ऑफलाइन में क्या ना विचार, तो मिलना अलग बात है, ठीक है। तो वहाँ पे सही इंसान की मतलब सही गुरु की तलाश करें, ये चीज़ होता है। क्योंकि घर घर वाला सिस्टम ये, इसको इसको ये वाला सिस्टम, क्योंकि पढ़ाई तो सबका एक ही रहता है, ये तो आप समझ गए ना अंदर, लेकिन सबका अपना अपना समझाने का तरीका होता है, कौन कितना बेस्ट तरीके से समझाते हैं। क्योंकि अगर इस भी डेट रहे तो कोई अगर 2002 बोल दिया तो दूसरा तो 2003 नहीं बोलेगा उसको किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो कहता है याद रहे, याद रहे, याद करके नौकरी ही करना है, अगर आपको नौकरी ही करना है, जैसे कहता है ना अगर इस क्वेश्चन आए तो हम आगे पढ़े क्यों, तो भाई नॉलेज के लिए, तो प्रॉपर नॉलेज कहाँ ले रहे हो, क्योंकि जब ये बुक बनाया हर का नॉलेज उपयोग कहीं ना कहीं तो होगा ही, पता नहीं है। तो मेन तो पर्पस होता है भाई हमें जॉब करना है, तो उस हिसाब से उसी को आधार बना के आप चलो। तो एक जो आप मैंने पिछले भी बताया था कि गोल सेट के उस हिसाब से चलो, यहाँ पे आपका देखो फीस के फीस भी ठीक है और प्रॉपर शिक्षा भी मिला, और यहाँ से अगर घर से अगर आपको कॉर्पोरेट मतलब जैसे कहते हैं आप पढ़ रही हो अच्छे से, तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मतलब नियम में अगर आप बरकरार हो और नियम में कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे आप डेली रूटीन में हो उसमें कोई आपको यहाँ से प्रॉब्लम ना हो, जैसे किसी चीज़ को लेकर इस टाइम में ये कर दो, इस टाइम में ये कर दो, आप पढ़ रहे हो कंसंट्रेशन भंग हो जाए, तो आप वैसे ही कर लोगे तो घर घर में और प्रॉपर मिल ही जाएगा, क्योंकि पूरा दुकान उठ के इस पे आया है। इसके बाद आपको जहाँ जाना होगा स्वेच्छा से जा ही सकते हो, ठीक है। और डिग्री के लिए आजकल पता ही है डिग्री का सिस्टम, तो ये बदलाव कैसे होगा आप ही बताओ, ये जो हम जो पास होके जाते हैं और उसमें तो किस बेस में जाते हैं, कितना नॉलेज, आप दूसरों को क्या नॉलेज देते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो किसी भी फील्ड में, या बड़े लेवल का हो या छोटे लेवल का हो। मिस प्रिंट होता है, मिस वॉइस होता है, ठीक है, लेकिन एक्सेस बराबर ये सब अच्छी बात नहीं है ना, कभी कभी चलेगा ना, वो तो सबके साथ होता है मिस प्रिंट मिस वॉइस, लेकिन बराबर तो वहाँ पे आपको पहले से सतर्क होकर वहाँ से क्विट कर लेना चाहिए। जगह आप रहते हो वहाँ पे अगर आपका माहौल ही मोहल्ला ही अच्छा नहीं रहता है आपके अकॉर्डिंग, आपका जो विचार है उसके अकॉर्डिंग आप मोहल्ला ही चेंज करते हो, नहीं यार ऐसा सब ऐसे ही लोग रहते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे बात करते हैं यार समझ ही में नहीं आता है, तो आप मोहल्ला चेंज कर देते हो क्यों, नहीं तो आप भी खुद वैसे ही बन जाओगे, तभी ना कहता इन्वायरमेंट माहौल, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई हर जगह एक ही है, अब इसी में जैसे तरह मैनेज करते हो कोई उसी मैनेज करेंगे, पढ़ाई होता है वही बस अपना रहन सहन, तो कहते हैं ना साफ सुथरा, ये तो आप कितना आप बच्चे को आप अच्छा देते हो और बात कैसे करते हैं उस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। अब इसको आप जितना बढ़ाओ इसमें आप 10वीं ले लो, 11वीं ले लो, 12वीं ले लो, कोई भी ले लो,
पूरा दुकान उठ के आ गया लगभग, चाहे वो हैकिंग का हो या कोई भी चीज हो, कोई भी फील्ड हो, ये पूरा दुकान उठ के आ गया है आपका सोशल साइट्स पे। तो इसीलिए फीस या ये कुछ भी ठीक है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज जो होता है ना, प्रॉपर नॉलेज आप समझ गए हो, प्रॉपर नॉलेज ठीक है, जो आप संस्कार के साथ साथ आपको शिक्षा अच्छा मिले कि लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है। और प्रॉब्लम तो होता ही रहता है, उससे समस्या मतलब समस्या का समाधान करने में आपको अच्छा हो, आप कभी विचलित ना हो, कभी भी मतलब आप कभी भी जो कहते हैं संकट आने से पहले एकदम तैयार रहो, रेडी आ जाए ठीक है। नहीं इसने बोल दिया यहाँ पे सांप है ठीक है तुम घर में रहो, अरे यार सांप है तो ठीक है हम लाठी लेके हैं ना, आने तो दो हैं, तो डरा दिया आप डर गए कोई भी चीज़ में। तो यूँ देखो ना, फिर क्यों होता है साइंस आर्ट कॉमर्स क्यों होता है, तो वही योग्यता देखा जाता है, क्योंकि आप इस कैपेसिटी है आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये सब होता है। तो नहीं उसने किया है तो हम भी करेंगे, या अगला का रखा है तो तू भी रखो। तो हर चीज़ कहता है फीस जो पढ़ाई होता है इस हिसाब से, वहाँ से उस हिसाब से फीस नहीं है। तो आज तो हर दुकान ही उठ के आ गया है, बस आप ये देखो ना, आप क्या प्रॉपर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ही समझने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बस दिन कट रहा है, हर इंसान का साथ वही हो रहा है ठीक है। तो जब टॉपिक होगा कोई ये होगा तो यही है कहने का, पर हर जगह एक ही होता है, लेकिन ये चीज़ क्यों होता है, और इसी में क्यों, तभी आपको होता है कि अगर आप टीचर अच्छा है, और अगर चलो मान लो छोटे लेवल का है, तो वहाँ लोग ऑटोमेटिक जाने लगेगा। लेकिन क्या होता है स्टार्टिंग में अगर देखता है टीचर मतलब अच्छा है, और वहाँ का डेकोरेशन सही नहीं है, तो वहाँ पर जाएंगे ही नहीं सबसे पहले, अरे यार वहाँ जाना ही नहीं है। अरे भाई आप नॉलेज देने लेने जा रहे हो या उसका दुकान खरीदने है, उसमें हवा खाने एसी का, और आप जब जाओगे तो प्रोग्रेस होगा तो होगा ही वो सब। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, आप जहाँ जहाँ भी जो रह रहे हो, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। इसलिए प्रॉपर टीचर जो गुरु है ना, उसके जो एक दूसरे के प्रति भड़काए नहीं, प्रॉपर शिक्षा दे ठीक है, सही गलत ये भी समझाए, आपका जो चैप्टर है बुक के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग भी, नहीं तो वो तो ऑनलाइन आप कर ही लेते हो, आप देखते भी हो पढ़ते भी हो ऑनलाइन भी पढ़ते हो, तो प्रॉपर शिक्षा से आप कॉन्टेक्ट करो, मतलब आप समझ गए ना। वैसे तो सभी आप भी ले लो एक बुक ले लो, मैं भी बताता हूँ, बुक ले लो और एक बैठ जाओ देते रहो, लेकिन जब उसका जो अब जो क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व भी करना पड़ता है, अर्थात समझाना पड़ता है। जैसे मान लो आप मैथ्स पढ़ाते हो और कोई निजी जो उसके साथ समस्या हो वो बता दिया, तो कहोगे आप मैथ्स का टीचर है हम ये नहीं बताएंगे, आपका कर्तव्य बनता है ना कि अगर भटक गया है तो उसको सही दिशा, हाँ भाई साइंस तुम यहाँ पढ़ लो यहाँ अच्छा होगा ठीक है, या हो सकता है कभी मिस हो जाए तो भाई ठीक है अगले दिन में तुम्हें इसको अच्छे से और समझा दूंगा क्लियर करके ठीक है, अभी टॉपिक कुछ और चल रहा है अगले दिन अच्छा से हो जाएगा। तो ये होता है, तो नहीं तुरंत देखो इसको ये नहीं आता इसको ये नहीं आता ऐसे होने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, ये सभी के साथ होता है ठीक है, मिस प्रिंट मिस वॉइस ठीक है। और कभी कभी टाइम किसी भी चीज़ में समझ गए, तो मेन मतलब यही है कि एक ही चीज़ है लेकिन उसका देखो अंदर की बात पढ़ते हैं हम, लेकिन फीस हर जगह अलग अलग। तो आप अगर मान लीजिए कपड़ा लेने जाते हो तो कपड़ा को देखो ना कि मॉल को देखो, आपको प्रॉपर वो कपड़ा मिल गया अच्छा मतलब जो आप ढूंढ रहे हो, तो आप एक रैली पे रहता है सो और एक मॉल पे, तो वही अगर तो वही तरक्की वहीं से तो करेगा धीरे धीरे, लेकिन वहां कौन होने ही नहीं देते हैं कोई, तो महंगाई तो ऐसे ही बढ़ेगा ना। अगर आप 100 रुपये का अगर मान लो रैली पे मिल रहा है वही कपड़ा और वही 800 का मिल रहा है वही चीज आपको मॉल में, और आपको यहां से लेना पसंद है तो रेट तो ऐसे ही बढ़ेगा ना, तो ये भी तो 300 कहेगा ना भाई आप जो इसका 100 रुपये में बेचने था वो 300 में बेचेगा, क्यों क्यों भाई यही तुम लोग मॉल में तुम्हें 800 का मिलेगा 300 में दूंगा, तो इसका भी बढ़ गया भाव, तो रेट तो ऐसे ही बढ़ेगा ना ठीक है। तो किसी फील्ड में ठीक है, कहने का था तो वो तो टॉपिक आज इसका नहीं है, उसमें कैसे क्या होगा बहुत सारे कारण होंगे जो रेट बढ़ने के, तो वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में, यहाँ पे था आजकल की पढ़ाई घर घर में शिक्षा शिक्षक और परिणाम। हाँ दूसरी बात आप ये देखो, जो शिक्षा अब जो कोई कहता है अपने घर में ही पढ़ाना है, जैसे कहते हैं ना कि अपने घर में ही पढ़ लो, तो क्या होता है सीमित रहता है कि आपके पास जितना नॉलेज हो उतना ही दे पाते हो,
आप कहीं इसको भेजते ही नहीं हो, या तो इस मार्केट में जाएगा नहीं, लोगों से मिलेगा नहीं, तौर तरीके नहीं समझेंगे, तो उसके पास सीमित हो जाएगा। फिर उसके पास आएगा जो संकट, उसका सामना कैसे करेंगे वो? आप समझ लो, आपके साथ जो घटना घटा है, क्या वही घटना घटा है उसके घटा होगा वो जब पढ़ रहे होंगे? ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो इसीलिए तो उसका सीमित रह जाता है, ठीक है, उसका सीमित रह जाता है। आपको हाँ डायरेक्शन दिशा देना पड़ता है अच्छा से, ठीक है, और बाकी उसको इतना सामर्थ्य और इतना कहते हैं ना शक्ति, कहने का तत्पर समझ बूझ ये सब, ना कि उसको प्रेशर दिया जाता है तुमसे ये नहीं होगा, मतलब आप नहीं कर पाए तो आपको तो खुशी होना चाहिए कि आपके वो कर लिए, बच्चे कर लिए, ठीक है, या आपके सगे संबंधी कर लिए, लेकिन नहीं, ये सब कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ईर्ष्या भावना इतना है कि कोई एक दूसरे से देखते हो ना हर चीज़ में, तो ये चीज़ है घर घर की शिक्षा। इसलिए अगर ऐसा होता तो आप ही देखो, युधिष्ठिर को पढ़ाते उदाहरण के लिए, तो कहते युधिष्ठिर तुम सीख लियो, तुम सबको सिखा दो, तो सब युधिष्ठिर ही बनते, अर्जुन कोई बनता ही नहीं। नकुल सहदेव कहते हैं जो गुरु के पास जाते हैं, जिसकी जिसमें रुचि रहता है वो ऑटोमेटिक बढ़ता है वो, और वो अपना रिसर्च भी करता है वो, अगर उसको कहते हैं ना नॉलेज है, उसको ज्यादा समझ आ गया, तो अपने हिसाब से रिसर्च करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको पता नहीं है तो उसको भी पता नहीं होगा, तो यही चीज है। इसलिए प्रॉपर आप नॉलेज के पीछे भागो, ठीक है, डिग्री के पीछे नहीं, ठीक है, क्योंकि डिग्री ले भी लिए तो प्रॉपर ये देखो ना, तो ये सब ये तो होता ही रहेगा। बाकी आपको इसको जितना फैलाओ, जितना फैलाओ मतलब कहने का तत्पर जितना फैलाओ मतलब जितना बढ़ाओ इस टॉपिक को यहाँ पे, उतना कम होगा, क्योंकि पढ़ाई तो सब में अभी कहा ना वही है, ठीक है, ओके।